नमस्कार, आदाब। आप सभी का इस्तकबाल है सीआईटी एनसीईआरटी के इस लाइव इंटरएक्टिव सेशन में। मैं सृजन राजपूत हूं और आप हमारे इस सत्र को देख रहे हैं ई विद्या चैनल नंबर 9 के माध्यम से। क्योंकि ये एक लाइव इंटरएक्टिव सेशन है, इसलिए आप बहुत से माध्यमों से हमसे जुड़ भी सकते हैं। वो सभी माध्यम क्या हैं, उन्हें भी आपसे ज़रूर बताना चाहूँगी। लेकिन पहले आप जान लें कि आज के इस सत्र में हम उर्दू का एक खूबसूरत सबक या एक कहूँ कि खूबसूरत नज्म आपके साथ साझा करेंगे, जिसका विषय है मसनवी सहरूल बयान। तो ये उनवान है हमारी आज की नज्म का, और कक्षा 9 के यानी जमात 9 के बच्चों के लिए ये उर्दू का सत्र रहेगा। तो अब जबकि आप उनवान जान चुके हैं, तो आपके जहन में बहुत से प्रश्न आए होंगे, या फिर इसके जब भी आप इस नज्म को पढ़ रहे होंगे तब उस दौरान बहुत सी मशकों में अगर आपको कठिनाई आई हो तो आप बेझिझक उन्हें हमसे साझा कर सकते हैं। अपने प्रश्नों के साथ आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमारे फ़ोन नंबर पर, जो इस समय आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। ये नंबर है 8800440559। या फिर एक और माध्यम है हमसे जुड़ने का, आप हमें लिख सकते हैं एक मेल अपने प्रश्नों को लेकर। ये माध्यम है, ये मेल एड्रेस है dth.class9@cit.nic.in का। तो चलिए अब आप सभी का परिचय अपने आज के अतिथि के साथ करवाना चाहूंगी। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सर डॉक्टर रिजवानुल हक। सर आदाब, बहुत बहुत आदाब। तो आप सभी जानते हैं कि हमारे साथ डॉक्टर रिजवानुल हक हैं, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उर्दू के हमारे सीआईटी एनसीईआरटी विभाग नई दिल्ली से। सर, क्योंकि हमारा ये एक खूबसूरत नज्म है और नज्म को बहुत सुंदर तरीके से हम गाते हैं, उसको एक तरीका है, और ऐसे में ये जो हमारा उनवान है मसनवी, इस अल्फाज का क्या माने हैं, पहले ये आपसे जानना चाहेंगे। मसनवी एक जो तवील यानी बहुत लंबी नज्म होती है उसको कहते हैं। इसके और भी कई खूबियाँ होती हैं, तो मैं पूरा बता देता हूँ। मसनवी मुलसलसल अशार के ऐसे मजमुए को कहते हैं जिसमें हर शेर के दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं और शेर के काफिये अलग अलग होते हैं। यानी कि जो ऐसे नज़्म होते हैं जो बहुत तवील होती है और हर शेर जो है अलग अलग होता है, जिसमें हर शेर के साथ रदीफ काफिया बदल जाते हैं। मसनवी के अशार की तादाद मुकर्रर नहीं है। उर्दू में तवील और मुख्तसर दोनों तरह की मसनवियाँ लिखी गई हैं। तवील मसनवियों में मीर हसन की सहरुल बयान और दया शंकर नसीम की गुलजार नसीम बहुत मशहूर हैं। यहाँ पर एक मसनवी और बहुत ख़ास तौर से मशहूर है, वो है जहरे इश्क। मसनवी में रज्म व बज्म, हुस्न व इश्क, पंद व नसीहत, मदह व हजू, हर तरह के मौजूआत नज़्म किए जाते हैं। कदीम मसनवियों में ज़्यादातर इश्किया किस्से और मजहबी व अखलाकी मजामीन नज़्म किए गए हैं। इन इश्किया किस्सों में वो तमाम खसूसियात पाई जाती हैं जो नसरी दास्तानों में मिलती हैं। फोक फितरी अनासिर के अलावा मसनवियों में उस ज़माने की तहजीब व माशरत की झलकियाँ भी मिलती हैं। हाली और आज़ाद के ज़माने में मसनवियों के उसलूब और मौजूआत में नुमाया फ़र्क आया। उसके बाद इसमें मुख्तलिफ मौजूआत व मसाइल नज़्म किए जाने लगे। तो ये इस तरह की नज़्म के बारे में हमने बात की। इसमें कुछ और ख़ूबियाँ भी होती हैं, जैसे कि हमने फौकुल फितरी अनासिर यानी उसमें कोई जिन परी इस तरह की बातें भी हो सकती हैं जो हमें आज के ज़माने में सच्ची न लगे, लेकिन किस्सों में वो बहुत दिलचस्पी पैदा हो जाती है। तो इस तरह की बातें भी इस नज़्म में भी यानी इस मसनवी सहरुल बयान में भी हैं, इस तरह की कुछ बातें। तो ये एक दास्तान होती थी जो लोग सुनाते थे और बराह रास्त सामने सुनने वाले बैठे होते थे, तो इस तरह की ये सिंफ है जी। ऐसे में सर, हमें हमारे अल्फाज जो हम मसनवी अल्फाज हमारे लिए एक नया था, उसका तो हमें परिचय मिल गया, लेकिन बात करें जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसके शायर की, तो उनका परिचय भी आपसे जानना चाहेंगे। जी, तो वो शायर हैं मीर गुलाम हसन। हसन इनका तखल्लुस था। ये आप स्क्रीन पर इनकी तस्वीर देख सकते हैं। तो ये थे मीर गुलाम हसन।
इनके बारे में यह है कि मीर हसन के ख़ानदान के लोग ईरान से आकर दिल्ली में बस गए थे। इस ख़ानदान ने उर्दू ज़ुबान व अदब की बेशबहा खिदमत अंजाम दी। मीर हसन के वालिद मीर ग़ुलाम हुसैन ज़ाहिक अच्छे शायर थे। उनके बेटे मीर खलीक और उनके पोते मीर अनीस ने उर्दू शायरी में मरसिया गोई की नई राहें निकाली। मीर हसन कुछ दिनों तक मीर दर्द के शागिर्द रहे। जब दिल्ली से बहुत से लोगों का ताल्लुक टूटा तो मीर हसन के वालिद भी फैज़ाबाद चले गए। वहाँ से लखनऊ पहुँचे और वहीं इंतकाल हुआ। मीर हसन ने गज़लें भी लिखी हैं, लेकिन उनकी शोहरत का दारोमदार उनकी मसनवी सहरिल बयान पर है। मीर हसन ने इंतकाल से कुछ ही पहले मुकम्मल की थी ये सहरुल बयान की शोहरत और मकबूलियत के सामने मसनवी दूसरे बहुत से शोरा की मसनवियाँ और ख़ुद मीर हसन की दूसरी मसनवियाँ मान पड़ गईं। मंजर निगारी, वाक़िया निगारी और किरदार निगारी को दिलचस्प और मुतहरिक शक्ल में पेश करने और कहानी को मरबूत तरीके से बयान करने में मीर हसन को ख़ास महारत हासिल थी। उनकी मसनवी मुख्तलिफ़ अशिया और मुजाहरे के ज़िक्र से भरी हुई है। यही वजह है कि मसनवी की कहानी अगरचे बिल्कुल ख़याली है, लेकिन इसके वाक़ियात और किरदार जीते जागते और हमारी दुनिया के बासी मालूम होते हैं। तो एक तो हमने मालूम किया कि ये कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए और कहाँ कहाँ रहे। दिल्ली से फिर फैज़ाबाद गए, फिर लखनऊ चले गए। हाँ जी, एक ख़ास बात यह है कि इनके पोते थे मीर अनीस, वो ख़ुद भी बहुत बड़े शायर थे। मीर अनीस का उनका नाम उर्दू शायरी में बहुत बड़ा है। तो इनके वालिद भी मीर ज़ाहिक बहुत अच्छे शायर थे। तो कई लोग इनके ख़ानदान के शायर रहे हैं जी। यानी एक तरह से देखा जाए तो उर्दू की जितनी भी एक पूरी साहित्य रचना रही उसमें इस ख़ानदान का बहुत बड़ा योगदान रहा। बिल्कुल जी। अब हम शुरू करते हैं ये मसनवी। ये मसनवी दरअसल एक तवील मसनवी है जो 100 सफ़ात से ज़्यादा की मसनवी है जी। लेकिन इस सबक में हम तकरीबन 2-2.5 सफ़े पढ़ेंगे, तो ये हम अभी पढ़ेंगे, उसके बाद फिर उसके पहले का हिस्सा भी बताएंगे। तो जहाँ से हम आज शुरू कर रहे हैं उस हिस्से का नाम है दास्तान शहजादे के गायब होने की और गम से माँ बाप और सबके हालत तबाह करने की जी। तो हम सुनते हैं, तो ये एक तरह से दास्तान की तरह सुनेंगे। यहाँ का तो किस्सा में छोड़ा यहाँ, ज़रा आप सुनो गम जदों का बयां। करूँ हाल हिजरा जदों का रकम, के गुजरा जुदाई से क्या उन पे गम। खुली आँख जो एक कि वहाँ कहें तो देखा कि वो शाहजादों नहीं। खुली आँख जो एक की वहाँ कहीं तो देखा कि वो शाहजादा नहीं। न है वो पलंग और न वो माहरू, न वो गुल है उस जा न वो उसकी बू। रही देख ये हाल हैरान कर कि ये क्या हुआ हाय परवरदिगार। कोई देख ये हाल रोने लगी, कोई गम से जी अपना खोने लगी। कोई बिलबिलाती सी फिरने लगी, कोई जोफ हो के गिरने लगी। कोई सर पे रख हाथ दिलगीर हो, गई बैठ मातम की तस्वीर हो। कोई रख के जेरे जखंदा छड़ी, रही नरगिस सासा भरी की खड़ी। कोई रख के जेरे जखंदा छड़ी, रही नरगिस आसा खड़ी की खड़ी। रही कोई उंगली को दांतों में दाब, किसी ने कहा घर हुआ ये खराब। किसी ने दिए खोल सुंबुल से बाल, तपांचों से जूं गुल किए सुर्ख गाल। न बन आई कुछ उनको इसके सिवा, के कहिए ये हवाल अब शह से जा। सुनी शह ने अलकिस्सा जब ये खबर, गिरा खाक पर कह के हाय पिसर। कलेजा पकड़ माँ तो बस रह गई, कली की तरह से बिकस रह गई। कहा शह ने धुआं का मुझे,
दो पता, कहया शहने वहां का मुझे दो पता, अजीजो जहां से वो यूसुफ गया, गए लेके वो शह को लबे बाम पर, दिखाया के सोता था यहां सीम भर, यही थी जगह वो जहां से गया, कहा हाय बेटा तू यहां से गया, मेरे नौजवान मैं किधर जाऊं पीर, नजर तूने मुझ पर न की बेनजीर, अजब बहरे गम में डुबोया हमें, गरज जान से तूने खोया हमें, करूं इस कयामत का क्या मैं बयां, तरक्की में हरदम था शोरो फुगां, लबे बाम कसरत जो यकसर हुई, तले की जमी सारी ऊपर हुई, शब आधी वो जिस तरह सोते कटी, रही थी जो बाकी सुरोते कटी। तो ये हमने मसनवी पढ़ ली, उसका एक हिस्सा है। अब इसमें कुछ लफ्ज आए हैं, उनको एक बार समझ लेते हैं, फिर इस पर और बात करेंगे। जी, एक लफ्ज आया है हिजरा जदा, इसके मानी है जुदाई का मारा हुआ। एक लफ्ज आया है रकम, रकम के मानी है तहरीर। यहाँ पर तहरीर के वैसे इसके एक मानी और होते हैं, वो रुपये पैसे के होते हैं, लेकिन दो मानी होते हैं, एक तो लिखने के तहरीर के और एक रुपये पैसे के। और एक लफ्ज आया है माहरू, माह कहते हैं चांद को, चांद को, और रू यानी चेहरा, चेहरे जैसा। हाँ, तो इसके मानी हुई चांद जैसे चेहरे वाला। जी, और एक जगह लफ्ज आया है जा, जा जगह का एक शार्ट फॉर्म है कह सकते हैं, मुखफ्फ। एक लफ्ज आया है जोफ, जोफ कहते हैं कमजोरी को। जी, एक लफ्ज आया है दिलगीर, दिलगीर के मानी है मगमूम, रंजीदा या गमगीन। एक लफ्ज आया है जखंदा, जखंदा कहते हैं ठोड़ी को, यानी जो चिन्ह कहते हैं। और एक लफ्ज आया है सुम्बुल, सुम्बुल है एक किस्म की खुशबूदार बेल, लेकिन ये तो एक पौधे का नाम हो गया। शायरी में जो है अक्सर इसकी जो तशबीह दी जाती है वो महबूब के जुल्फों से तशरीह इसकी दी जाती है, मिसाल के तौर पर। तो एक शेर भी बड़ा मशहूर है, बड़ा अच्छा है, सुम्बुल को परेशान किया बाद सबा ने, सुम्बुल को परेशान किया बाद सबा ने, जब बाग में बातें तेरी जुल्फों की चलाई। तो ये मुसफ़ी का शेर है जी। तो इस तरह से सुम्बुल के मानी तो वो एक दरख्त है, पेड़ है, जिसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है, और वो जुल्फों की तरह उसकी शाखें जो लिपटी हुई होती हैं, जैसे चोटी बनाते हैं उस तरह। तो ये इसकी है यहाँ पर रिलेवेंस। और एक लफ्ज़ आया इसमें पिसर कहते हैं बेटा को जी। और एक लफ्ज़ है बिकस, ये है इसके मानी है मुरझाना। और एक लफ्ज़ आया है बाम, बाम कहते हैं बाला खाना या कोठा। ठीक है। और एक लफ्ज़ आया है सीमबर, सीम कहते हैं चांदी को, और बर मतलब बदन, तो जिसका चांदी जैसा बदन हो उसको तशबीह के तौर पर बोलते हैं सीमबर। जी। और एक लफ्ज आया पीर, पीर कहते हैं बूढ़ा को, बूढ़े को। और शोर व फुगा यानी बुलंद आवाज से रोना। तो ये लफ्ज जो कुछ लोगों को हो सकता है ना मालूम हो, तो उनके बारे में हमने यहाँ बता दिया। जी सर, यहाँ जब आप इस नज्म को पढ़ रहे थे तो एक शब्द आया था जो राजकुमार का नाम है बेनजीर, तो हाँ, बेनजीर तो इसका क्या माने है? बेनजीर मतलब जिसकी कोई नजीर ना हो, और नजीर के मतलब होते हैं कि मिसाल। अच्छा, यानी जिसकी कोई मिसाल नहीं, यानी खूबसूरती में जिसके जैसा कोई ना हो उसको बेनजीर कहते हैं। अब यहाँ पर गौर करने की बात है कि दरअसल ये मसनवी है एक। हाँ, तो मसनवी हमने जैसा कि बात की कि तकरीबन 100 सफ़े से ज़्यादा की ये मसनवी है, और यहाँ पर हमने सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा पढ़ा, तो मैं उसके जो पहले की कहानी है वो मुख्तसर से बता देता हूँ। ठीक है। मीर हसन की ये मसनवी तकरीबन 200 साल पुरानी है,
इसकी खूबी इसकी सादगी और जादू बयानी है, इसलिए इसका नाम सहरुल बयान रखा गया है। सहर कहते हैं जादू करने को और बयान यानी बयान करने को, तो बयान करने का जादू जी। इस मसनवी के मानी ये हैं। तो ये मसनवी इतनी खूबसूरती से बयान की गई है कि लगता है कि कोई जादू सा हो रहा है, और मसनवी बड़ी जादूगरी से भरी भी है, और लेकिन जो बयान का जादू है वो यहाँ पर मानी है। इस मसनवी में एक ऐसे बादशाह का जिक्र है जिसकी कोई औलाद नहीं थी जी। बहुत मिन्नतों मुरादों के बाद उसके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जो बहुत ही खूबसूरत था, इसलिए उसका नाम बेनज़ीर रखा गया। नजूमियों के कहने के मुताबिक, नजूमी कहते हैं जो फोरकास्ट करते हैं यानी किस्मत, हाँ, किस्मत बताते हैं उनको, तो नजूमियों के कहने के मुताबिक शहजादे के लिए 12 साल खतरनाक थे, इसलिए उसे खुले आसमान के नीचे नहीं जाना था जी। खुदा का करना ऐसा हुआ कि 12 साल पूरे होने से चंद घड़ियां पहले शहजादा अपने साथियों के साथ छत पर जाकर सो गया, और एक परी उसकी खूबसूरती की वजह से उस पर आशिक हो गई और उसे उड़ाकर ले गई। आपके निसाब में इससे आगे का इक्तबास शामिल है जिसमें शहजादे के गायब होने के बाद महल के अंदर जो आहोफोगा का तूफान उठा उसकी अक्कासी बहुत पुरअसर अंदाज में की गई है। यानी कि जब वो परी उसको उठा ले जाती है वहाँ पर जो है शुरुआत होती है इस नज़्म के जो यहाँ है जी। ये अब मैं थोड़ा देखता हूँ, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि इसके जो तशरीह है। हाँ, यहाँ का तो किस्सा मैं छोड़ यहाँ, ज़रा आप सुनो गमज़दों का बयान। यानी यहाँ का किस्सा जो इसके पहले का है छोड़ के, अब जो गमज़दा लोग हैं उसके उठा ले जाने से उनका बयान सुनो। करूँ हाल हिजरा ज़दों का रकम के गुज़रा जुदाई से क्या उन पे गम। यानी उनसे जो जुदा हो गए शहजादे से उनका मैं हाल बयान कर रहा हूँ। खुली आँख जो एक की वहाँ कहीं तो देखा कि वो शहजादा नहीं। वहाँ सब सो रहे थे, आधी रात हो गई थी, जब किसी की आँख खुली तो देखा कि वो शहजादा है नहीं। जी। न है वो पलंग और न वो माहरू, न वो गुल है उस चा न वो उसकी बू। न है वो पलंग, पूरे पलंग के साथ यानी उठा ले गई, और न वो माहरू। माह कहते हैं चांद और रू यानी चेहरा, जो चांद से चेहरे वाला है यहाँ पर मुराद है, यहाँ पर तशबीह है माहरू कहा गया है शहजादे को। जी। न वो गुल है उस जा न वो उसकी बू। गुल यानी फूल उस भी उस शहजादे को कहा गया है, तो वो शहजादा नहीं है और ना उसकी बू यानी खुशबू भी नहीं है। रही देख ये हाल हैरान कर कि ये क्या हुआ है परवरदिगार। तो उसके जो साथी थे उनको हैरत हुई कि ये क्या हो गया, वो कैसे गायब हो गया। कोई देख ये हाल रोने लगी, कोई गम से जी अपना खोने लगी। जब देखा कि शहजादा गायब है तो कोई रोने लगी और कोई जो है अपना जी ही खोने लगी कि अब क्या होगा। कोई बिलबिलाती सी फिरने लगी, कोई जोफ हो के गिरने लगी, और कोई बिलबिलाने लगी और कोई जोफ यानी कमज़ोरी से जो है उसके गम में तड़प के गिरने लगी। कोई सर पे रख हाथ दिलगीर हो, दिलगीर यानी गमगीन होकर सर पर हाथ रख के बैठ गई जी। गई बैठ मातम की तस्वीर हो, इस तरह से बैठ गई कि जैसे वो मातम कर रही हो, ऐसी तस्वीर बन के बैठ गई बेहिस बिल्कुल जी। अब जब खबर बादशाह को पहुंची, कहा शह ने वहाँ का मुझे दो पता, अजीजो जहाँ से वो यूसुफ गया। अब बादशाह कह रहे हैं कि वहाँ का मुझे पता दो जहाँ से मेरा वो यूसुफ गया। अब यहाँ पर यूसुफ जो है समझने की चीज़ है, इसको तलमीह बोलते हैं। एक रवायत है, एक पैगंबर हुए हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम, तो वो माना जाता है कि दुनिया में सबसे खूबसूरत शख्स थे। तो
सबसे खूबसूरती की वजह से यहाँ उसको अपने शहजादे को यूसुफ कहा गया है, क्योंकि शहजादा भी अपने जमाने में बहुत खूबसूरत था। गए ले के वो शह को लबे बाम पर, यानी वो लोग जो उन्होंने खबर की थी वो लोग बादशाह को लबे बाम पर, यानी जो कोठा था उस पर लेके गए, किनारे, जी लब कहते हैं किनारे को। हाँ, दिखाया कि सोता था यहाँ सीमबर। सीमबर कहते हैं जिसका चांदी जैसा बदन हो, जी शहजादे के लिए सीमबर भी इस्तेमाल हुआ है। जी तो उन्होंने दिखाया कि ये इस जगह पर वो सो रहा था, यही थी जगह वो जहाँ से गया, यही वो जगह है जहाँ से वो गया। कहा, हाय बेटा तू यहाँ से गया। अब उस जगह को देख के बादशाह कह रहा है, हाय बेटा तू यहाँ से गया, मेरे नौजवान मैं किधर जाऊँ पीर। अब कह रहा है वो अपने बेटे से मुखातब होके कह रहा है कि मेरे नौजवान बेटे मैं किधर जाऊँ पीर, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, अब किधर मैं ढूंढू जाके। नज़र तूने मुझ पर न की बेनज़ीर, बेनज़ीर उसका नाम था। तो कह रहा है कि नज़र तूने मुझ पर न की बेनज़ीर, ए बेनज़ीर तुमने अपने बाप पर एक बार नज़र भी नहीं की जाते वक्त। अजब बहरे गम में डूबोया हमें, बहरे गम यानी गम का समंदर, बहर हाँ, तो जी गम के समंदर में तुमने मुझे डुबो दिया है। गरज जान से तूने खोया हमें, और अब तो मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ और जान से ही तुमने मुझे खो दिया है। करूँ इस कयामत का क्या मैं बयां, जी तरक्की में हरदम था शोरो फुगा। यहाँ पर तरक्की से मुराद तो वो तरक्की नहीं है जो शानो शौकत की, बल्कि शोरो फुगा यानी जो जोरदार रो रहे थे शोर के साथ, जी उस रोने में तरक्की हो रही थी यानी बढ़ोतरी हो रही थी। लबे बाम कसरत जो यकसर हुई, तले की जमी सारी ऊपर हुई। अब जब इतनी तेज तेज रो रहे हैं तो ऐसा लग रहा है तले की जमी सारी ऊपर हुई, अब छत पर वो सब रो रहे हैं तो वो उलट सी गई है। शब आधी वो जिस तरह सोते कटी, आधी रात तक तो वो खूब सो रहे थे तो वो कट गई, रही थी जो बाकी सो रोते कटी। यानी जो आधी रात तो सोत में गुजर चुकी थी जब वो गायब हो गया, तो उसके बाद की आधी रात सिर्फ रोते हुए कटी है। अब थोड़ा सा वक्त रह गया है, कुछ सवाल हम ले लेते हैं जल्दी जी जल्दी। हाँ, माहरू और गुलरू के अल्फाज किसके लिए और किस शेर में इस्तेमाल हुए हैं? तो पहला सवाल है, ये दोनों अल्फाज जो हैं शहजादे के लिए इस्तेमाल हुए हैं, जी और वो शेर है, न है वो पलंग और न वो माहरू, न वो गुल है उस जा न वो उसकी बू। तो ये वो शेर हो गया जिसमें फिर यहाँ पर है, सर पे हाथ रख के बैठना और दांतों में उंगली दबाना के क्या मानी है? सर जी पे हाथ रख के बैठना जब बिल्कुल मायूसी होती, कुछ नहीं समझ में जी आता है, तब बैठ जाते हैं, यानी कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल सरेंडर सा हो जाता है। जी और दांतों में उंगली दबाना यानी हैरत में रह जाना मानी है। फिर अगला सवाल है कि तले की जमीन सारी ऊपर हुई, इस मिसरे का क्या मतलब है? यानी उनकी ज़िंदगी तहस नहस हो गई, इसलिए उनकी जो ज़िंदगी एक सिस्टम से चल रही थी वो बिल्कुल ऊपर नीचे हो गई, इसलिए तले की ज़मीन सारी ऊपर हुई। जी और आखिरी सवाल है, शहजादे के गायब होने पर कनीज़ों ने किस तरह अपने गम का इजहार किया, अपने अल्फाज में लिखे। ये तो इसमें तवील बात है कि जी अलग अलग कनीज़ों ने अलग अलग तरह से गम का इजहार किया है, तो वो जब एक बार पढ़ेंगे बच्चे तो खुद से समझ लेंगे। जी बिल्कुल। हाँ तो समय हो चुका है कि अब हम अपने सत्र को समाप्ति की ओर लेकर चले, लेकिन सर वाकई ये जो नज्म थी ये अपने नाम की तरह बहुत ही खूबसूरत थी, जी सुंदर थी, पसंद भी की गई, और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना शुक्रिया, चाहेंगे। आदाब। आदाब। तो आप सभी को एक बार बता दूं कि हमारे साथ हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर उर्दू के सीआईटी एनसीईआरटी विभाग के डॉक्टर रिजवान उल हक हैं, जिन्होंने कि हमें ये सत्र उर्दू का, जिसका कि उनवान रहा मसनवी सहरुल बयां,
और आप सभी ने सुना और हमसे जुड़े इसके लिए आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और चाहेंगे कि आप यूं ही हमारे CIET NCERT के सभी लाइव इंटरेक्टिव सेशंस के साथ जुड़े रहें। हम कुछ ही मिनटों में आपके लिए एक दूसरा सत्र लेकर आएंगे। ये रहेगा कक्षा 9 के बच्चों के लिए साइंस का सत्र, जिसका टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सो आपको इसके लिए भी हमसे यूं ही जुड़े रहना होगा। यहाँ मैं सृजन राजपूत आप सभी से चाहूँगी इजाज़त। नमस्कार।